तो दोस्तों बात है 2019 की, जब पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है भारतीय रेलवे के नेटवर्क के अंदर जो है लेकर आया गया था। एंड जिस वक्त सारे रेल फैंस ही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि पहली वंदे भारत जो है हमारी वो नई दिल्ली भोपाल रूट के ऊपर ही आएगी, और क्योंकि ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेकर आगरा तक का वो 200 KMPH के ऊपर सर्टिफाइड है एंड ट्रेनें यहाँ पर 160 की स्पीड पर जो है चला करती हैं, तो सब ने यही एक्सपेक्टेशन करी थी। बट किसी कारणवश ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब फाइनली 4 साल के बाद जाकर के वो चीज़ जो है सच हुई है और हमको इस रूट पे जो है वंदे भारत एक्सप्रेस देखने को मिलेगी। अभी अगर ओवरऑल बातों को माने तो यार आपको एक ट्रेन जो है रानी कमलापति से नई दिल्ली के बीच में देखने को मिलने वाली है, बट अभी रेलवे सिर्फ आगरा से लेकर के निज़ामुद्दीन के बीच में 160 KMPH पे ट्रायल्स जो है करवा रहा है। तो उस ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं, उस ट्रेन को जो है लेते हैं। एंड सबसे बड़ा जो चीज़ देखने वाली होगी कि ये इस रूट के ऊपर गतिमान एक्सप्रेस को जो पछाड़ पाती है, नहीं पछाड़ पाती, क्योंकि गतिमान एक्सप्रेस क्या करती है, जो पूरा 188 किलोमीटर का सेक्शन है आपका दिल्ली निज़ामुद्दीन से लेकर के आगरा तक का, उसको कवर करने में 100 मिनट का टाइम लेती है। वंदे भारत को 105 मिनट दिए गए हैं और अमूमन ट्रेनों को जो ट्रायल में टाइम दिया जाता है ना वो उससे बेटर परफॉर्म कर लेती हैं। हम लोग साथ साथ में सिग्नल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं एक्चुअली कि कोई ट्रेन मिस ना हो जाए। तो हाँ, अमूमन ट्रेनों को जो उसके ट्रायल्स में टाइम दिया जाता है ना वो ज़्यादा ही होता है उनकी रिक्वायरमेंट से, तो देर बी हाई पॉसिबल चांसेस कि वंदे भारत एक्सप्रेस आज जो है गतिमान को बीट कर दे। बीट करेगी या नहीं करेगी थोड़ा बाद में पता चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों अभी तक जो है आपकी वंदे भारत तो यहाँ पे आई नहीं है, अभी तक हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं और 2-3 ट्रेनें अभी तक जो है यहाँ पे निकल चुकी हैं। मे भी कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। डाउन का सिग्नल हुआ है? नहीं हुआ। मज़े मत लो यार, आज मज़े मत लो भाई। आज अगर ये 160 पे यहाँ से निकलती है और टाइम के अंदर पहुँच जाती है भाई, आज रेलवेज में रिकॉर्ड बनने वाला है, हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पता किस दिन आएगा, जब ये ट्रेन 160 पे चलेगी और हम वंदे भारत में बैठ के आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाएंगे और आपको व्लॉग में दिखाएंगे, वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो खास रहने वाला है। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम वंदे भारत की जो है हमें 160 KMPH कितने पे जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दो एंगल से पूरा कैप्चर करेंगे, एक फ़ोन से कैप्चर करेंगे, गोप्रो से कैप्चर करेंगे। गोप्रो को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। तो जी वंदे भारत बिल्कुल आने वाली है और अनाउंसमेंट हो रही है कि लोग कृपया लाइन क्रॉस ना करें। अच्छी चीज़ है यार, लोगों को सेफ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। आइए ट्रेन दिखाते हैं आपको। आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई। आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई। तो भाई लोग आओ, तो भाई लोग अगर मैं स्पीड वगैरह को लेके बात करूं कि कितने भी थी तो लगभग 130 से 140 के बीच में हम कह सकते हैं। नहीं, गोप्रो फ़ोन में 140 से ऊपर ही थी, कम से कम 140 से ऊपर ही थी, 140 से ऊपर थी। लेकिन एक्सपेक्टेड से बहुत अच्छी स्पीड में निकाल दिया। अब जब रेलवे की तरफ से डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें वो एक्चुअली बताएंगे रिमार्क्स वगैरह लिख करके कि इतनी देर में जो है ये पूरा सेक्शन उसने जो है कवर करा एंड गतिमान को बीट कर पाई या नहीं कर पाई ये गाड़ी, मेरे हिसाब से कर ली हो तो यार अच्छी बात है।
ठीक है, 5 बजे पहुँचने का टाइम था निजामुद्दीन, 5:15 नहीं, हाँ तो यार पहुँचा देगी, 5-7 मिनट लेट पर पहुँचा देगी, हाँ पहुँचा देगी, थोड़ा बहुत लेट हुई है यहाँ से अभी यार, अब वो कम से कम ओखला होगी थी अब तक तो, क्योंकि सेक्शन भी तो क्लियर होगा ना इसके लिए, है ना, बस अभी 2-3 ट्रेनें और बाकी हैं तो वो भी अब जब आए हैं तो उनको भी कैप्चर करेंगे, सिया राजधानी, मुंबई राजधानी, तेजस वाली और अगस्त क्रांति, दोनों ही तेजस हैं वो, तीनों ले लेते हैं, तो वो दोनों लेते हैं फिर एंड करेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आ रही है आपकी सीआर की राजधानी, जो कि चलती है आपके निजामुद्दीन से लेके मुंबई सीएसटी के बीच में, अबे पहले। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में, एंड उम्मीद करता हूँ भाई काफ़ी सारे एफर्ट्स डाल करके इस जो है कैप्चर मतलब इस ट्रायल को कैप्चर करने आए थे, नवरात्रि चल रहे हैं, आज मेरा फास्ट भी है स्टिल, ठीक है, तो बस तुमको बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस थोड़ा सा लाइक वाइक का बटन दबा देना, तुम्हें सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बस तुमसे मैं इतना ही बोलूँगा करने को, इससे ज़्यादा मत करो, बाकी एफर्ट हम कर लेंगे आप लोग अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए, ठीक है, अगर मौका मिला तो जर्नी वीडियो भी लेकर के आऊँगा आपके लिए इसी ट्रेन के अंदर, इसी रूट के ऊपर, अगर मौका मिला तो, ठीक है, चलिए बाय बाय।